हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस चैनल बिकम वर्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोरल ड्रॉ 17 ट्यूटोरियल के अंतर्गत कुछ इस तरह का बेहतरीन लोगो क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ये हम कोरल ड्रॉ 17 में बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, एक और लोगो है यहाँ पे, ये दोनों लोगो हम कोरल ड्रॉ 17 में बनाए हैं। ये कैसे बनाएंगे वो आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से देखिए न्यू पेज पर आते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, इसे मैं गूगल से डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। इसे आप भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए इलिप्स टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इलिप्स टूल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करने का बेनिफिट क्या होगा, ये पूरी तरह से राउंड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स पिक टूल को सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इधर ले आते हैं। इधर समझ गए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो गर्ल्स का इमेज है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं अभी जूम करूँगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए पिक्सलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पिक्सलेट नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको, आउटलाइन ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है लो क्वालिटी इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुला और कुछ प्रोसेस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो है उसे वैसे ही रहने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके देखिए इधर ले आते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला जो पार्ट था, इसको डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ले आते हैं, इधर समझ गए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस कलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू, जिससे अनग्रुप हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे। इसी तरह देखिए यहाँ नीचे है, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एफ4 प्रेस करते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए सर्कल में लाते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन बार में आएंगे और मिरर हॉरिजॉन्टली का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये मूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इतना पे रखते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो इमेज है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और शिफ्ट बटन होल्ड करके ये जो सर्कल है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देखिए ऑप्शन बार में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आया, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ट्रिम का, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाहर में एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये जो इमेज है इसको यहाँ से देखिए ड्रैग करके इधर लाते हैं और डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए पार्ट अलग है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस के बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको ब्रेक कर्व पार्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम यहाँ से देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं येलो कलर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, टूल बार में आएंगे और टूल बार में आने के बाद यहाँ से देखिए जो पेन टूल आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो एरो का साइन है इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक। और यहाँ से देखिए सबसे ऊपर जो दिख रहा है फ्री हैंड टूल, जिसका शॉर्टकट किया F5, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक करके, ठीक है, और एक बार यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, लाइन बनाते हैं, एक लाइन बना लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके नॉट पे क्लिक किए और देखिए इस तरह से हम एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे, तो देखिए हम कुछ इस तरह का शेप बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, टूल बार में आएंगे और शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका शॉर्टकट की F10, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए एक बार इसके मिडल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन बार में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आया, कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको देखिए कुछ इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से एडजस्ट कर लिए। इसी तरह फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है इसके बीच में एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन बार में आएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये छोटा सा, ठीक है, इस पर एक बार इसके बीच में क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, ठीक है,
और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स? इस तरह से कर लिए, इतना समझ गए फ्रेंड्स? अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए हम कोई भी कलर यहाँ से फिल कर दे रहे, ठीक है, येलो कलर ही फिल करते हैं और इसको देखिए यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये बाहर का लाइन, ठीक है, इससे मिलाकर हम एडजस्ट कर लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट किए बाहर वाले इस पार्ट को, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे देखिए शेप टूल पे आएंगे और यहाँ से देखिए इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये जो बीच में नॉट है इसको देखिए यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसको भी यहाँ से देखिए डिलीट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से अंदर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह से देखिए एडजस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से हम टूल बार में आते हैं और फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एक बार देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पे, और इसको भी देखिए यहाँ पे शेप टूल सेलेक्ट करके इसके बीच में एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कन्वर्ट टू कर्व करते हैं और इसको भी देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए वीडियो फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस एक ही है, ठीक है, तो एक किसी एक का आप अच्छे से देख लिए तो बाकी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए हम कुछ इस तरह से इसको इतना कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स फिर यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं और फिर से फ्री एंड टूल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो नॉड है इस पर क्लिक करेंगे और एक बार ये नॉड है इस दोनों पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये जो लाइन बना है फिर से शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसके मिडिल में क्लिक करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करते हैं और इसको भी देखिए इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिए और इसमें भी हम देखिए यहाँ से कलर फिल कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे करीब ले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लिए। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसके ऊपर देखिए हम एक डिजाइन बनाएंगे, तो इसके लिए फिर से फ्री एंड टूल को सिलेक्ट करेंगे, एक बार देखिए यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ से लेते हैं, ठीक है, और एक बार देखिए यहाँ पे क्लिक किए और कुछ इस तरह से हम बना लिए, ठीक है। फिर से शेप टूल पे आते हैं, ठीक है, और इसके बीच में एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इसको देखिए हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाला लाइन जो है इस पर इसके बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करके इसको देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से एडजस्ट कर लिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है, तो शिफ्ट बटन होल्ड करके इसको देखिए ड्रैग करते हैं नीचे की ओर और इतना पे लाते हैं, ठीक है, और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, तो इसका देखिए कॉपी बन गया और इसको देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लिया फ्रेंड्स। और इसमें देखिए पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप शेप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कर दिया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट किए और शेप टूल पे आते हैं और ये वाला जो पोर्शन इसको ड्रैग करके यहाँ पे देखिए इसमें सटा देते हैं, ठीक है, इसी तरह देखिए इसको भी यहाँ पे ला के मिला देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें हम देखिए कलर फिल करेंगे, ठीक है, इसके लिए देखिए इसमें हम कलर डायरेक्ट फिल करते हैं यहाँ से कलर बार में आके, तो फिल नहीं होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बार में जो कलर का ऑप्शन है यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, यहाँ देखिए येलो कलर चूज किए और एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए फिल हो गया। अब इसको ड्रैग करके इधर लाते हैं और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, एफोर प्रेस किए हैं और इसको देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका एक कॉपी बनाते हैं कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करके, ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे ले आते हैं, इसको देखिए यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ से देखिए मूव कर देते हैं, ठीक है, 180 डिग्री पे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 12 मिरर हॉरिजेंटली का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे
इस तरह से मूव हो जाएगा और इसको देखिए एक बार क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें एडजस्ट कर दिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका एक और कॉपी बनाते हैं और इसको देखिए यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और इसका साइज छोटा करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, टोटल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डाउन की तरफ ले लेते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे टूल बार में आते हैं और यहाँ से देखिए जो फ्री हैंड टूल है यहाँ पे जो एरो का साइन, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बीच में देखिए कुछ इस तरह का हम शेप बनाते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और क्लिक रहने देंगे। ठीक है, क्लिक छोड़ना नहीं है और ड्रैग करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से इसको रोटेट कर लिए और अल्ट बटन प्रेस करके ये जो स्क्वायर है इसके बीच में यहाँ पे नॉट जो है इस पर इसके बीच में क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक और एक बार यहाँ से देखिए मिला देते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ से देखिए हम येलो कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको फैला सकते हैं और इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका एक कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी बटन प्रेस करके और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से देखिए मिरर हॉरिजॉन्टली कर दे रहे हैं और इसको भी यहाँ से देखिए एडजस्ट कर दे रहे हैं और इसका एक कंट्रोल डी बटन प्रेस करके कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे देखिए ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको देखिए मिरर हॉरिजॉन्टली कर दे रहे हैं और इसको भी एडजस्ट कर दे रहे हैं, इसका साइज यहाँ पे छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम इस तरह से एडजस्ट कर लिए, ये देखिए आपको इफेक्ट कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी आउटलाइन है इसका, इस टोटल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए कलर बार में आएंगे और इसके ऊपर जो क्रॉस का साइन है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसका देखिए आउटलाइन गायब हो जाएगा। ये भी आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, उतना अच्छा। इसके लिए इसके बैकग्राउंड में हम ब्लैक कलर फिल करते हैं, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स टूल बार में आएंगे और यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारा वर्किंग पेज था उसके अनुसार एक रेक्टेंगल बन जाएगा और इसमें यहाँ से देखिए नीचे से ब्लैक कलर फिल कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपको इफेक्ट कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। इसको यहाँ से देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं और तो यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और इसको रोटेट कर दीजिए, एफर्ट प्रेस किए तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको दिख रहा होगा खूबसूरत सा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई मिक्स कलर देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो है डिजाइन बना है अभी सिर्फ येलो कलर है, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टूल बार में आते हैं और इंट्रैक्टिव फिल टूल है इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए ड्रैग करते हैं। ठीक है, इंट्रैक्टिव फिल टूल से कैसे कलर फिल करते हैं ये मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम ड्रैग किए हैं इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लाइन है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक स्क्वायर कलर नॉट बन गया और यहाँ पे एक बार डबल क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, और ये जो देखिए सबसे ऊपर में जो स्क्वायर है इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक किए और यहाँ से देखिए मैं ऑलरेडी कलर चूज किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाला कलर हम फिल कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये फ्रेंड्स ये जो स्क्वायर है इस पर क्लिक किए लेफ्ट क्लिक और इसमें देखिए हम यहाँ से येलो कलर फिल कर दिए। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इस पर क्लिक किए लेफ्ट क्लिक और यहाँ से देखिए इसमें ये कलर फिल कर दिए। ठीक है, इसी तरह इसमें हम येलो कलर फिल कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए कुछ इस तरह का बन गया है। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये वाला जो है ठीक है पिक टूल को सिलेक्ट करके ये जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे ये वाला पार्ट और कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर बटन प्रेस करने का बेनिफिट क्या होगा, इस पर हम जो इफेक्ट डाले थे सेम इफेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए फ्रेंड्स टोटल में कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करते जा रहे हैं सिलेक्ट कर करके, ये देखिए टोटल में हम कलर फिल कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का लोगो आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीख गए होंगे। और एक और डिजाइन है ठीक है जो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो शुरुआत में ही दिखाया था। ठीक है, तो वो लोगो कैसे बनाएंगे वो भी दिखा देते हैं, उसमें मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू पेज पे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो इमेज है ये भी मैं गूगल से डाउनलोड करके ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किए और यहाँ से देखिए इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं और ये जो रेक्टेंगल है ठीक है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू, इस पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टूल बार में आते हैं और शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं जिसका शॉर्टकट की F10। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये देखिए नीचे वाला जो नॉड है इसको यहाँ पे मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये जो नॉड है इसको ड्रैग करके यहाँ पे देखिए लाएंगे और इसके सेंटर में यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट दिखा रहा होगा आपको, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नॉड है, इसको क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक किए रहेंगे, ठीक है, तो ड्रैग होगा और इसको यहाँ पे मिडिल में लाके छोड़ दिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इसके बीच में एक बार क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, और ऊपर में आएंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन बार में कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, ठीक है, बस थोड़ा सा गौर से देखिएगा और इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए। इसके बाद देखिए ये लाइन है, इसके बीच में क्लिक करते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, सेम प्रोसेस, ठीक है, और इसको देखिए थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए ये लाइन है, इस पर इसके बीच में क्लिक किए और यहाँ देखिए कन्वर्ट टू कर्व किए और इसको भी थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, दोनों को देखिएगा सेम मिलता जुलता रहे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम शेप बनाए हैं। ठीक है, F4 प्रेस करते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा और अब ऊपर लेते हैं, तो इसके लिए शेप टूल पे आते हैं फिर से और थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा फैला दे रहा हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे और इसको देखिए इस तरह से ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग करके और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, तो इसका देखिए कॉपी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉपी हो गया। इसी तरह देखिए एक बार और इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट बटन होल्ड करके थोड़ा सा अंदर लेते हैं और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, तो इसका देखिए कॉपी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम कॉपी कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए ये जो बीच में जो हम शेप बनाए हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन प्रेस करके ये जो सबसे ऊपर में जो शेप है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन बार में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया ट्रिम का, तो यहाँ पे देखिए वेल्ड का ऑप्शन है, ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये एक शेप बन जाएगा, ये जो पार्ट इतना दूर का पार्ट है ये खुद शेप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इस शेप में देखिए यहाँ से हम येलो कलर फिल कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो बीच वाला शेप है, ठीक है, इसमें हम ये वाला पार्ट को लाएंगे, ये जो इमेज है इसको, तो इस इमेज को पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस इमेज पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आउटलाइन ट्रेस का ऑप्शन है, आउटलाइन ट्रेस पे आएंगे और यहाँ से देखिए लो क्वालिटी इमेज है, इस पर क्लिक करेंगे, जो प्रोसेस यहाँ पर होगा उसको होने देंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, और इसको ड्रैग करके इधर लाते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब इसको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ले आए हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो शेप है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे शेप टूल पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो है नॉट, इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा और इसको देखिए यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे लाके यहाँ पे मिला दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए। और इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए बैक लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एडजस्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस शेप को सिलेक्ट किए शिफ्ट बटन होल्ड करके, ये जो शेप है यहाँ पे जो लाइन टाइप का है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किए शिफ्ट बटन प्रेस करके और यहाँ से देखिए ऑप्शन बार में ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये जो इमेज है इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, और F4 प्रेस करते हैं और इसमें क्या करना है, कलर फिल कर देंगे। ठीक है, येलो कलर यहाँ से देखिए फिल कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो पहले हम शेप बनाए थे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इतना दूर का पार्ट, ये सब इस सबको सेलेक्ट किए और कंट्रोल सी बटन प्रेस करके इसका कॉपी कर लेते हैं, फिर से इस पेज पे आते हैं और कंट्रोल वी बटन प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे ले आके कुछ इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस लाइन को देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए मिल नहीं रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किए शेप टूल पे आएंगे
और इसको यहाँ से देखिए थोड़ा डाउन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हम एडजस्ट कर लिए। ठीक है, और इसका देखिए चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से देखिए हम एडजस्ट कर लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से एडजस्ट कर लिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो शेप है ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करीब ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से देखिए इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, और इसका भी देखिए इसका जो विड्थ है चौड़ाई ठीक है, इसको हम बढ़ा देंगे। तो शेप टूल पे सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल पे आएंगे, और यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो देखिए ऊपर वाला जो तीनों पार्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको देखिए यहाँ पे अपने ज़रूरत के अनुसार सजा लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से आते हैं, फिर से टूल बार में आते हैं, और यहाँ से देखिए फ्री एंड टूल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक लाइन लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और शेप टूल को सेलेक्ट करते हैं, और इसके बीच में क्लिक करके, और इसको देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व करके इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। इसी तरह फ्रेंड्स इसका देखिए कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी बटन प्रेस करके, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको भी यहाँ से देखिए रोटेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए एडजस्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ देखिए छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह देखिए इसको भी यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इतना पे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला जो पार्ट है ठीक है, इसमें आएंगे टूल बार में आएंगे, और यहाँ से देखिए स्मार्ट फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं, और इसमें देखिए हम कलर फिल कर दिए। ठीक है, अब येलो कलर था, कंट्रोल जेड करते हैं इसलिए दिखा नहीं आपको। यहाँ देखिए कलर बार ऑप्शन बार में आएंगे, और यहाँ से देखिए कोई और कलर चूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ठीक है, ये वाला, इसको डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको भी डिलीट कर देंगे, और यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गया फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें भी हम येलो कलर यहाँ से फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, टोटल को सिलेक्ट करेंगे, और इसका आउटलाइन यहाँ से देखिए राइट क्लिक करके गायब कर देते हैं। तो देखिए इसका आउटलाइन गायब हो गया, और इसको ड्रैग करके यहाँ देखिए बीच में ले आते हैं, और ये देखिए इसके बैकग्राउंड में हम फिर से ब्लैक कलर फिल कर दे रहे हैं। इसके लिए हम टूल बार में आते हैं, रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए ब्लैक कलर फिल कर दिए। तो ये देखिए आपको अभी कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, आप देखिए ये वाला जो है पार्ट, इसमें भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंट्रैक्टिव फिल टूल पे आते हैं, और यहाँ से देखिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक किए, यहाँ पे डबल क्लिक किए, और इसमें देखिए हम लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से कलर फिल कर दिए। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। इसी तरह देखिए इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, इसमें कंट्रोल आर बटन प्रेस करके फिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कलर आपको मिलाना है, तो इसके लिए आप मिला सकते हैं। तो ये वाला पार्ट है ठीक है, यहाँ पे डार्क ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसके लिए हम फिर से इंट्रैक्टिव फिल्टर पे आते हैं, और इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ले आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मिक्स हो गया। तो देखिए ये भी एक तरह से लोगो, ये भी फ्रेंड्स इस तरह का लोगो बन गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लोगो बना है ठीक है, और इससे पहले हम बनाए हैं ये लोगो। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे देखिए टोटल को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर दे रहा हूँ, और इसको यहाँ से देखिए बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगो और ये लोगो, ठीक है, दो लोगो बनाए। तो दोनों लोगो आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।